हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में अपने मैथमेटिक्स में ऑल एल्जेब्रिक जो फॉर्मूले हैं, यानी बीजगणितीय सूत्र अपन इनको बोलते हैं, वो सारे जितने फॉर्मूले उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों के लिए मैंने डाला है इसको। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको मैं फैक्टराइज़ करूँगा तो क्या मिलेगा आपको, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है, ये 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक सारी मैथमेटिक्स की बुक में यूज़ हुआ हुआ फॉर्मूला है। फिर सेकेंड फॉर्मूला आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। यदि मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ तो ये माइनस लग जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। फिर फोर्थ वाला फॉर्मूला आपका क्या है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों मल्टीप्लाई होके क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब ये चार फॉर्मूले, एक तो ये फॉर्मूला है, एक आपका माइनस और माइनस का है, और फिर एक माइनस और एक प्लस का है, फिर एक प्लस और एक माइनस का। ये चार फॉर्मूले हैं, लेकिन आप ये एक ध्यान में रखिए, या फिर आप डायरेक्ट इसका और इसका मल्टीप्लाई करको, यानी इस पूरे फैक्टर का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो भी आपका फॉर्मूला आ जाएगा। फिर फिफ्थ वाला भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 9th के अंदर काफ़ी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर डिपेंडेंट है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर किया था मैंने, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे तीन क्वांटिटी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, फिर टू इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर टू इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर टू इंटू एक्स और वाई का मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी 9th में काफ़ी काफ़ी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और आपकी जो सरफेस एरिया जो वॉल्यूम है वाला फॉर्मूला है उसमें भी काफ़ी यूज हुआ हुआ है, और 12th तक यूज होगा, आपको ध्यान में रखना है ये फॉर्मूला। अब इसमें भी चार फॉर्मूले आते हैं, एक तो प्लस और प्लस का, एक माइनस और माइनस का, और एक प्लस और एक माइनस का, और एक माइनस और प्लस का। ये चार फॉर्मूले, इनके अकॉर्डिंग ये साइन चेंज होते रहेंगे। ये तीनों में तो कोई चेंजेबल नहीं होगा, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सिक्स्थ आपका एक्स प्लस वाई का क्यूब, ये भी अच्छा फॉर्मूला है, इसका क्या होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब, फिर थ्री इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले का आप ऐसे क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब थ्री एक्स वाई, और फिर यहाँ पे थ्री एक्स वाई स्क्वायर। यदि मैं माइनस लगा दूँ तो माइनस किसकी पावर है, वाई की पावर। तो आपको जहाँ पे माइनस यानी वाई की पावर इस माइन यानी इस वाई की पावर आपको ओड दिखे तो वहाँ पे आप माइनस लगा दो। ओड का मतलब क्या है, विषम, और इवन का मतलब सम। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी जहाँ पे आपको विषम पावर दिखे किसकी, वाई की, तो विषम पावर, वाई की पावर तीन, ये क्या आपकी विषम है यानी ओड है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। यहाँ पे वाई की पावर वन है तो वन क्या है आपका, ओड है, तो यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो इवन आ गया, तो इवन में आपका प्लस आ जाएगा। इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला याद रह जाएगा, तो ये अपने आप याद रह जाएगा। फिर आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक तो यहाँ पे टू नहीं लगाना, एक ऐसे सोचते हो कि यहाँ पे प्लस आया हुआ है तो पूरे में प्लस आएगा, नहीं, यहाँ पे आपका माइनस आएगा। ये आपको ध्यान है, दो चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर 9th वाला फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। दोनों फॉर्मूले सेम है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे नहीं है। अब देखो यहाँ पे माइनस आ गया तो ये हट जाएगा, तो ये प्लस, ये ध्यान में आपको रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 10th,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपके 12th में भी यूज़ हुआ हुआ फॉर्मूला है। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी ये कॉम्पिटिशन में भी काम आएगा आपके। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यानी इसी की तरह है ये फॉर्मूला। यहाँ पे देखो माइनस एक्स वाई दो क्वांटिटी थी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस, लेकिन यहाँ पे तीन है तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस लगा दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस लगा दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। फिर प्लस में ये ध्यान रखना है, प्लस में क्या आएगा, इस पूरी क्वांटिटी के प्लस के अंदर आएगी वैल्यू क्या आएगी, थ्री एक्स वाई जेड। ये आपके फॉर्मूले थे, एलजेब्रिक फॉर्मूले और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हर क्लास में आपको यूज होंगे और कंपटीशन के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। थैंक यू सो मच।